हे एवरीवन, दिस इज़ योर स्टाइल अनामिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं ये मेकअप लेकर आई हूँ आपके लिए। ये मेकअप कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी के साथ। कैसा मेकअप करें एंड कॉटन टाइप साड़ी जो होता है उसके साथ, तो ये लेकर के आई हूँ। ये कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप कर रही हूँ। पहले टोनर लगाई हूँ एंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद लिप बाम लगा ले रही हूँ ताकि मेरी लिपस्टिक क्रैक ना करे बाद में जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो। अब ये ब्लू हेवन का प्राइमर है। अच्छा प्राइमर है ये, क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत कम प्रोडक्ट जो होता है वो सूट करता है, लेकिन ये सूट किया। इससे पहले था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, पूरा स्किन मेरा जला दिया था। प्राइमर को आप आईज के ऊपर हर जगह लगाएं ताकि मेकअप लॉन्ग टाइम के लिए टिके, फ्लॉलेस मेकअप दिखे। ये नहीं कि बस चीक्स पे थोड़ा सा लगा लिए, इधर लगा लिए। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। मेरी आईब्रो तो काफ़ी पतली है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा के फिल करना होता है। हो गई आईब्रो फिल। इस पे आईब्रो भी अच्छी तरह से फिल किया करो, क्योंकि थोड़ा थिक आईब्रो ही इस मेकअप पे अच्छा लगता है। इसके बाद फाउंडेशन, मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन है ये। इसे डॉट डॉट करके, छोटा छोटा डॉट, कम कम वो लेकर के, अमाउंट लेके आप एंड पूरे में वो करो और डैप डैप करके ब्लेंड करना है आपको। ऑयली स्किन है, इस वजह से बहुत कम फाउंडेशन भी सूट करता है। तो यही फिट मी 2-3 है यही। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट ट्राई भी नहीं करती चेंज कर करके। इसे मैं आपको स्पीड में वीडियो इस वजह से दिख रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन खींच के इधर उधर, लेकिन वो नहीं कर रही हूँ मैं, डैब डैब करके कर रही हूँ। अगर नॉर्मल स्पीड रखूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ता है। नेक पे भी अच्छी तरह से आप जितना फेस पे करें वैसे नेक पे भी करें, नहीं तो फेस और नेक का कलर चेंज दिखेगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर, लॉरियल का कंसीलर। अभी मैं कंसीलर चेंज करने वाली थी, कुछ अफोर्डेबल कंसीलर लाने वाली थी, बट लॉकडाउन हो गया दिल्ली में, इस वजह से अभी जल्दी ही लाऊंगी लॉकडाउन ख़त्म हो तो। एंड इसे भी ब्लेंड कर ले रही हूँ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से। स्मॉल ना हो तो उसी बड़े वाले से ही कॉर्नर से आप ब्लेंड कर लो, फिंगर से भी ब्लेंड कर लो डैब डैब करके। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। देन इसके बाद आप जल्दी से जल्दी कॉम्पैक्ट से अपना फाउंडेशन कंसीलर जो है उसे सेट कर लें। सबसे पहले आईज के पास सेट करें ताकि वो क्रीज लाइन जो है ये ना बने, जिनकी एजिंग स्किन है। समर में तो जल्दी से जल्दी सेट कर लें, नहीं तो फाउंडेशन वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, केकी लगने लग जाता है। एंड इसके बाद रेड वो लेकर के, आई शेडो पैलेट में से रेड कलर लेकर के, जहाँ से क्रीज कट होता है ना वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करना है। अप्लाई तो वहीं पे कर रही हूँ एंड ब्रश से पूरे में ब्लेंड कर लूँगी, बट ज़्यादा ऊपर के साइड में रहना चाहिए। अब इस ब्रश से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। दूसरे आईज पे भी लेकर के अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली हूँ। एंड अब दूसरे पैलेट में से मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ स्मोकी आईज बनाने के लिए। मेरे साड़ी में रेड था तो ऊपर मैं रेड दे रखी हूँ। रेड पे बहुत अच्छा मेकअप लगा, बहुत प्यारा लगा। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ,
प्लीज़ उस पे आप देखो, पूरी रील्स बनाती हूँ, आपको उस पे सही तरह से अच्छे से मेकअप दिखेगा। बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनाती हूँ, प्लीज़ आप उस पे फॉलो करें एंड देखो। यहाँ पे पूरे आई लिड पे मैं उस ब्रश से, मैं कोशिश कर रही हूँ ये फ्लैट ब्रश से अच्छी तरह से क्रीज जहाँ से कट होती है वहाँ तक पूरा एक बार पहले लगाए एंड इसके बाद ब्लेंड करें उसे। ऊपर के साइड में ज़्यादा नहीं आपको लगाना है, ऊपर के साइड में इसी को अपर साइड डायरेक्शन में ले जाके एंड ब्लेंड करना है आपको। ऊपर ज़्यादा लगा लोगे तो और ऊपर चला जाएगा, फिर वो रेड वाला जो है ना वो पूरा डार्क ब्लैक ही हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रेडनेस नहीं आएगा तो स्मोकी टाइप नहीं दिखेगा। जो बिगनर हो उनके लिए है ये। एंड इसके बाद नेक्स्ट मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक, क्योंकि कम लगे तो आप ब्लैक फिर से अप्लाई कर लो। अब ब्लैक स्मोकी आज तो थोड़ा डार्क ही अच्छा लगता है, मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरह से कॉर्नर तक जहाँ तक छूटा हुआ है। मेरे से कैमरे में देख के नहीं हो पाता है, मतलब स्क्रीन पे देख के, मैं शीशे में ही देख के करती हूँ, आदत नहीं है अभी। एंड इस ब्रश से अब अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी, ये ब्लेंड कर ली हूँ एंड जो भी फॉल आउट हुआ है उसे, ज़्यादा नहीं हुआ है, आराम से ही मैं कर रही थी थोड़ा थोड़ा लेके, दोनों आईज पे कर ली हूँ। एंड अभी देखो आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ छोटा सा स्मॉल विंग, अच्छा लगता है इस पर। ये मेवलिन का आईलाइनर है ब्रश, और वो छोटा क्यूब जो देता है उसके साथ वही वाला है, लेकिन बेस्ट लगा मुझे। मैं इतना मतलब आराम से विंग नहीं वो कर पाती थी, लेकिन इससे तो इजी कर पा ले रही हूँ। मुझे उस सब लाइनर से यही अच्छा लगा, बेस्ट लगा पेन लाइनर एंड ये लाइनर। पेन लाइनर बिगनर के लिए अच्छा है एंड ये भी अच्छा है, क्योंकि इसका ब्रश इतना कंफर्टेबल है, बहुत आराम आराम से हो पा रहा है। यहाँ आइज के कॉर्नर पे भी कर लिया करो, अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी देखना कितना अच्छा उभर के ये आई लुक आता है, कितना मस्त लगता है। प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें एंड वहाँ पे देखो कितनी अच्छी ये मेकअप हुई है। यहाँ पे एलिटिन का ये काजल है, ये काजल तो मुझे इतना पसंद आया, ओह माय गॉड, बहुत पसंद आया, बेस्ट काजल है, अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट है। दोनों आईज पे थिक लाइन एकदम काजल अप्लाई कर ले रही हूँ एंड फिर वही आई शेडो लेकर के ब्रश से और नीचे काजल के नीचे। ये करने से क्या होता है, काजल आपका फैलेगा भी नहीं एंड लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा। एक स्मोकी लुक के लिए तो ये चाहिए ही, तो दोनों आईज के नीचे कर ली हूँ। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट जो है, जो भी बिगनर मेकअप किट बनाना चाह रहे हैं वो ज़रूर ले लीजिए, अफोर्डेबल रेंज में है। इसमें दो तीन शेड हाइलाइटर है, हाइलाइटर वन शेड है, वो क्या कहते हैं, ब्लश है, ब्रॉन्जर है, हाइलाइटर है, तीनों है, ब्लश तो तीन चार शेड है, तो बहुत अच्छा रहेगा, बेस्ट है। नोज के पास कंटूर कर रही हूँ जहाँ जहाँ कंटूरिंग होती है, चीक्स के पास सिर्फ नीचे कर ली थी इसलिए ऐसे लगता है जूरा जूरा सा, ऊपर साइड में भी थोड़ा कर लेना चाहिए। कंटूरिंग हो गई है, अब ब्लश की बारी आई, पीच शेड ब्लश देखो हल्का सा लगाई हूँ एक बार, कितनी अच्छी ब्लश है देखो, बहुत पिगमेंटेड है। अब ये इसी में से हाइलाइटर लेकर के हाइलाइटर लगा रही हूँ, नोज हाइलाइट कर ले जहाँ जहाँ जरूरत है, फोरहेड पे। एंड अब दूसरा ब्रश लेकर के ब्रावोन को कर ले रही हूँ हाइलाइट एंड आईज के कॉर्नर पे भी हाईलाइट कर लूंगी, देखना।
अब धीरे धीरे बहुत अच्छी वाली आई लुक आ रही है, देखना भी। ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी ना तो आपको पता पड़ेगा कैसे किस ज्वेलरी पे कैसा मेकअप करना चाहिए, उस टाइप है। मुझे तो ये वाली मेकअप बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और नीचे जो टॉप पहन रही हूँ, टॉप के ऊपर मैं वो साड़ी पहनी हूँ, तो उसका नेक भी बहुत बड़ा है। ये साड़ी मैं मीशो से ली हूँ, 350 के अंदर ही है, 338 ऐसे कुछ है प्राइस इसका। ज्वेलरी भी बहुत अफोर्डेबल है, मैं यहाँ पे कोड दूंगी, आप चाहो तो बाय कर लेना वहाँ से। और गर्ल्स के लिए भी ये मेकअप बेस्ट है, गर्ल्स वीमेंस जिनका मन हो सब कर सकते हैं, मैरिड गर्ल्स या कोई भी। उल्टा सीधा पकड़ के लिपस्टिक लगा रही थी, जल्दबाजी में हो जाता है। ये लोटस की लिपस्टिक है, अब देखो मैं ये साड़ी पहन ली हूँ, धीरे धीरे ज्वेलरी पहनूंगी, आपको पता पड़ेगा कैसा मेकअप हुआ है। प्लीज़ मेरी मेकअप, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, अगर ये वीडियो ना पसंद आए, क्या पता आपको नेक्स्ट वीडियो पसंद आ जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये ज्वेलरी भी मिसू का है, एंड ये टॉप, ये साड़ी सब है। इस साड़ी के साथ भी ब्लाउज दिया था बट वो मैं नहीं सिलवाई। एंड अब ये बैंगल पहनूंगी, ये भी बहुत कम रेंज का है सब कुछ। राउंड राउंड करके देखो, आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यही है फाइनल लुक, अब देख लो आई लुक भी, आई मेकअप एंड। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।